अमेरिका के दक्षिणी नेवादा, उत्तर एरिजोना, उत्तर पूर्वी कोलोराडो और उताह में फैला हुआ है नावाजो सैंडस्टोन नाम का एक प्राकृतिक गठन, जहां पर हजारों के संख्या में बेसबॉल के आकार के गोलाकार और चॉकलेट कलर का लोहे का बॉल या मार्बल्स पाए जाते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक उनमें रहस्यमय गुण होते हैं और उनका मंगल ग्रह से संबंध है। आखिर कैसे, जानने के लिए देखते रहिए आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। इन रहस्यमय पत्थर जैसे लगने वाले गोलाकार चीजों को मोकुई मार्बल्स, मोकुई बॉल्स या होपी मार्बल्स कहा जाता है, क्योंकि वे एक मार्बल के समान छोटे हो सकते हैं या व्यास में 8 इंच तक बड़े हो सकते हैं, और इनकी सतह बहुत ही रफ हो सकती है या फिर काफ़ी चिकनी हो सकती है। इनकी सबसे अजीब बात यह है कि इनकी बाहरी सतह लोहे का यानी आयरन ऑक्साइड, जिसे हम जंग कहते हैं, उससे बना है। आप इसे पत्थर भी कह सकते हैं, पर पत्थरों के ऊपर ऐसे लोहे के परत नहीं होते हैं। ये सभी पत्थर बाहर से एक मोटी और मजबूत आयरन ऑक्साइड मिनरल्स के आवरण से ढका हुआ है, और ये चीज़ें 25 मिलियन वर्ष पुराना है, तो ये हो ही नहीं सकता है कि लोह युग के लोगों ने इन्हें बनाया हो। तो इन धातु के बॉल्स को किसने बनाया और क्यों, और इसके अंदर क्या है, ये तभी पता चल पाएगा जब तक इनमें से एक को काटा ना जाए, और शोधकर्ताओं ने ऐसा ही किया। उनको काटने पर धातु के आवरण के नीचे बलुआ पत्थर मिले। तो बलुआ पत्थरों के ऊपर धातु का आवरण किसने लगाया, इंसानों ने या फिर एलियनों ने? इंसान तो नहीं हो सकता है, क्योंकि तब पृथ्वी पर इंसान थे ही नहीं। क्या एलियन या संभावित मंगलवासियों ने बनाया? दोस्तों, यहाँ पर मंगल ग्रह का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि ठीक ऐसे ही बॉल्स मंगल ग्रह पर भी मिले हैं। सन 2005 में नासा के ऑपर्चुनिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर ठीक पृथ्वी के जैसा ही बॉल्स ढूंढ निकाले। नासा के वैज्ञानिकों ने इन चीजों को ब्लूबेरीज नाम दिया है। हालांकि पृथ्वी के ये पत्थर और मंगल के ये पत्थरों के बीच एक अंतर है, और वो है कि पृथ्वी के पत्थर बलुआ पत्थर है, जिसके ऊपर लोहे का ऑक्साइड का एक आवरण है, और मार्शियन पत्थर सिर्फ लोहे के ऑक्साइड के बने हैं। दशकों तक पृथ्वी के ये बॉल रूपी चीज़ें केवल एक भूवैज्ञानिक विषमता थी, लेकिन मंगल ग्रह पर भी ऐसी चीज़ें मिलने से इनके ऊपर साइंटिस्टों का रुचि बढ़ गया है। पृथ्वी के मोकुई मार्बल्स को जांच करने पर पता चला कि नावाजो सैंडस्टोन पर लोहे की यानी आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और एक ज़माने में वहाँ पानी भी बहा करता था। उस पानी में आयरन ऑक्साइड घुले हुए होते थे, जो धीरे धीरे बलुआ पत्थरों के ऊपर जमा होता गया, और साथ ही पानी की लहरों की वजह से वो चट्टाने नीचे घर्षण से गोल होती चली गई। इस खोज से यह भी पक्का हो गया कि कभी मंगल ग्रह पर भी पानी भरपूर मात्रा में बहा करता था, क्योंकि वहाँ पर भी तो ऐसे गोल बॉल्स मिले हैं। तो पृथ्वी के बॉल्स और मंगल ग्रह के बॉल्स दोनों प्राकृतिक रूप से बने हैं, मंगलवासियों ने नहीं बनाया है, ना ही उन्होंने इसे पृथ्वी पर फेंका है। पर नेटिव अमेरिकन्स इसे कुछ और ही मानते हैं। उनका मानना है कि इन बॉल्स के जरिए दूसरे आयाम में जाया जा सकता है और आत्मा और भगवान से बात कर सकते हैं, और वहाँ के होपी इंडियंस मानते हैं कि ये पत्थर उनके स्वर्गवासी आत्मियों की निशानी है। किंवदंती कहती है कि स्वर्गवासी लोग इन बॉल्स को पीछे छोड़ जाते हैं उनके रिश्तेदार को ये बताने के लिए कि वे खुश और ठीक ठाक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। नए दर्शकों के लिए मेरा गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नए वीडियोस आप देख सकें। और आपने अगर हमारे दूसरे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।